आँखों से पानी गिरना, आँखों की रोशनी कमज़ोर होना या फिर धुंधला दिखाई देना, आँखों में जलन होना या फिर आँखों में बहुत ज़्यादा चुभन या खुजली होना, आजकल की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। कम उम्र में ही चश्मा लगने लगा है। पहले तो हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, एक उम्र आने पर, उम्र होने पर चश्मा लगा करता था, आंखें कमज़ोर हुआ करती थी, और आजकल तो कम उम्र में ही आंखें कमज़ोर होने लगी है, बच्चों को चश्मा लगने लगा है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप अपने खाने पीने का ध्यान रखकर, अपने आँखों की केयर करके आसानी से अपने आईसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ेगी, आँखों में जो खुजली होती है दोस्तों, जलन होती है, चुभन होती है, उससे आपको राहत मिलेगी। सौंफ जो होता है, जिसे हम फनल सीड भी कहते हैं, सौंफ का सेवन हमारे आँखों की रोशनी को तेज करता है, खासकर जब सौंफ मिश्री का सेवन एक साथ किया जाए। इस तरह से टुकड़े वाली भी मिश्री आती है, और एक दूसरी मिश्री आती है दोस्तों जिसे हम कहते हैं धागे वाली मिश्री। मिश्री हमारे शरीर में पेट में हमारे ठंडक देती है, और साथ ही साथ मिश्री जो होती है हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए सौंफ के साथ मिलकर 4 गुना ज़्यादा फायदा देती है। ये देखें, ये है धागे वाली मिश्री, इतना बड़ा जो टुकड़ा देख रहे हैं ना दोस्तों, इसे मैं ग्रोसरी शॉप से ही लेकर आई हूँ। इस मिश्री का, धागे वाली मिश्री का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो धागे वाली मिश्री को ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ खा लीजिए, 2 बादाम खा लीजिए, और मिश्री का कुछ टुकड़ा मिला लीजिए। इस मिश्री को कूट लीजिए, थोड़ा मोटे मोटे टुकड़े, 2 से 3 बादाम ज़रूर खाना चाहिए। बादाम हमारे दिल, दिमाग, हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमारी आँखों से जो हमें धुंधला दिखाई देता है, चुभन होती है, हमारे आँखों में जो मतलब रोशनी कमज़ोर हो गई है, चश्मा लगा है बहुत पावर का, उसे उतार फेंकेगा सौंफ मिश्री और बादाम का सेवन। आप चाहें तो उसमें 1 या 2 काली मिर्च मिला लें खाते समय। मैं 1 चम्मच के हिसाब से ये खाना बता रही हूँ आपको, 1 या 2 काली मिर्च बनाएं। आप चाहें ना तो इस रेमेडी को ज़्यादा बनाकर स्टोर कर सकते हैं। रोज़ 1 चम्मच सारी चीज़ों को पीस लीजिए, पाउडर बनाएं, रोज़ 1 चम्मच पाउडर गर्म दूध के साथ ले लें। आईसाइट इम्प्रूव होगा, आँखों से जो पानी बहता है ना वो बिल्कुल ही खत्म होगी। ड्राई आइज़ के जो लक्षण हैं, जो समस्याएं, आँखों में सूखापन, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। आँखों की रोशनी कमज़ोर होने का क्या कारण है? आजकल बच्चे, हम सभी लोग पूरे समय मोबाइल पर रहते हैं, लैपटॉप पर रहते हैं, और मेरे जैसी जो महिलाएं हैं ज़्यादातर टीवी पर रहती हैं, बहुत पास से टीवी देखते हैं, इससे भी आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है उनके कमरे में बहुत अच्छी रोशनी ना हो, कम रोशनी वाले कमरे में या थोड़े से अंधेरे कमरे में पढ़ाई करने से भी आँखों पर बहुत जोर पड़ता है और आँखें कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको लैपटॉप, मोबाइल, टीवी से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना बहुत ज़रूरी है, आँखों को आराम देना बहुत ज़रूरी है ताकि आँखों की जलन कम हो सके। हम सोचते हैं अरे चश्मा लगा है कोई बात नहीं, लेंस लगवा लेंगे, ऑपरेशन करवा लेंगे, परंतु ये सारी चीज़ों से तो सबसे अच्छा है कि हम अपने खाने पीने का ध्यान रखकर, अपने आँखों की केयर करके आसानी से अपने आईसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच भरकर सौंफ, कुछ मिश्री के टुकड़े, 1 काली मिर्च डाल दीजिए, 2 से 3 बादाम। दिन में 1 बार इसका फांका लगा लें, 1 बार इन चीज़ों को आप खा लें, आप देखिए कैसे नहीं आपको अंतर महसूस होगा। आपके चश्मे का नंबर जो बहुत बढ़ा हुआ है ना, वो चश्मे का नंबर कम होने लगेगा, और धीरे धीरे आप चश्मे को उतार फेंकेंगे। दोस्तों आप कह सकते हैं आँखों की रोशनी को बढ़ाने का, चश्मे को छुड़ाने का यह रामबाण नुस्खा है, और आपको तुरंत ही इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। आँखों से जो पानी आता है ना, पानी गिरता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी दोस्तों। इसके अलावा आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, और साथ ही साथ हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, पालक की भाजी खाएं, आप गाजर खा सकते हैं, विटामिन ए युक्त चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट करें आप, जिसमें विटामिन ए होता है, गाजर है, पपीता है, इन चीज़ों को खाएं। तो सौंफ मिश्री और चाहे ना तो इन सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लीजिए ज़्यादा मात्रा में, और पाउडर बना लीजिए, गर्म दूध में पाउडर को डालें और बस फिर आप इसे पी लें। बच्चों को दें, बड़ों को दें, घर के बुजुर्ग व्यक्ति को भी दे सकते हैं। आँखों की कई बीमारियाँ दूर होती हैं दोस्तों इस तरह से, यदि हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं। कम रोशनी वाली जगह पर बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें, और साथ ही साथ आप चाहें ना, जिन्हें अब जो ज़्यादा उम्र के हैं उन्हें सौंफ को चबाने में यदि परेशानी होती है, तो वे चाहें तो सौंफ का पाउडर भी बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ सौंफ को मैंने
ड्राई रोस्ट किया है, सेक लिया है और भून कर उसका पाउडर बना लिया है। एक चम्मच सौंफ का पाउडर एक गिलास दूध में डालिए, अच्छी तरह से उबाल लीजिए, दूध को मीठा करने मिश्री डाल लीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए और फिर उस दूध को पी लीजिए। बादाम है तो बादाम डालें। आप इन चीज़ों को मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, या एक बार के लिए बना रहे हैं तब एक बार के लिए बनाना है तो एक चम्मच सौंफ, दो काली मिर्ची, मिश्री का टुकड़ा, दो बादाम डालिए, कूट लीजिए और गर्म दूध में डाल लीजिए, उबाल कर आप इसे पी लीजिए। इतना ये फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। और इस तरह से हम अपने आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप शाम के समय, सुबह के समय हरी घास पर ज़रूर चलें, इससे भी आँखों की जलन कम होती है। रात को सोते समय पैरों के तलवे पर सरसों का तेल लगाकर सोएं। रात के समय जब बिस्तर पर आप आ जाएं तब ये काम करिए। दूध में जब उबाल आने लगे, दूध अच्छा गर्म हो जाए, उसके बाद ही सौंफ, मिश्री और काली मिर्च के इस मिश्रण को इसमें डालें। अगर आप बादाम नहीं डाले हैं तो कोई बात नहीं, दूध को पीते जाएं, बादाम को चबा चबा कर भी खा सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे। परंतु इन चारों चीज़ों को जब एक साथ लिया जाता है तो इससे हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें। आप चाहें तो इस उबलते दूध में एक डंडी केसर की डाल सकते हैं, जिसे हम लोग सेफ्रॉन कहते हैं, आप वो भी इसे डाल सकते हैं। और आंखों की रोशनी को तेज करता है केसर का सेवन, केसर वाला दूध इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। तो सुबह या शाम जब भी आपको टाइम है, दूध के साथ इस पाउडर को डालें और 2 से 3 बादाम को चबा चबा कर खाएं। पुराने समय के लोगों की आँखें इसीलिए तो अच्छी रहती थी, एक लंबे समय तक आंखें स्वस्थ रहती थी, कमज़ोर नहीं होती थी, क्योंकि वे बादाम और दूध का सेवन हमेशा किया करते थे। पर आजकल बच्चे खाते नहीं हैं, इसीलिए तो देखिए आप बच्चों को चश्मा लगने लगा है, आंखों में खुजली या आंखों से संबंधित इतनी बीमारियां होने लगी हैं। तो ये जो रेमेडी है दोस्तों, ये आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी। और ये सारी मैंने यहाँ पर हेल्दी चीज़ें ली हैं ताकि आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिल सके। कुछ दिन आप इसे लेकर देखें, 15 दिन लगातार लेके देखें, आपको अंतर महसूस हो जाएगा, आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। बीट रूट जूस लेना स्टार्ट करें, चुकंदर का रस, एक चुकंदर का आधा हिस्सा, 1/4 टुकड़ा आपको एक दिन में लेना है। इससे ज़्यादा बीट रूट नहीं खाया जाता है। आयरन से भरपूर होता है चुकंदर, खून की कमी को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है। बीटरूट को कद्दूकस करिए, थोड़ा सा पानी मिला के इसका जूस बनाकर भी आप लेंगे, आपकी आईसाइट इम्प्रूव होगी। रात को सोते समय सरसों का तेल आप पैरों के तलवे पर लगाकर मालिश करें और सो जाएं, इससे भी आपके आँखों की रोशनी, आँखों की संबंधित कोई भी परेशानी है वो बिल्कुल ही दूर होगी। और इस तरह से हम अपने आँखों की रोशनी को तेज कर सकते हैं इन घरेलू उपाय से। वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।